أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा रिविजन वो गाइड है, रिविजन लेक्चर है, वो एटम्स मॉलिक्यूल स्टोइकोमेट्री है. सबसे पहले मॉलिक्यूल एंड स्टोइकोमेट्री में जब हम आते हैं तो हम जो है कुछ डेफिनेशन को देखते हैं, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास को देखते हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक मास को देखते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं, रिलेटिव फार्मूला मास को देखते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन है जो कि हम ओ लेवल से ऑलरेडी करके आए हुए होते हैं, और आपको जो है वो इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी नो हाउ इनमें होती है, तो हम इसको ज़्यादातर खास जो है वो नहीं ले आते. ठीक है, तो उसके बाद इसी चैप्टर में जो है वो एक दूसरी जो चीज़ आती है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो मैं इधर इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि इसी के थोड़ी सी रिलेटिंग है. और वैसे तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो होती है वो एनालिटिकल टेक्निक्स में आती है, लेकिन मैं जो हूँ वो ऑलरेडी इसमें जो है वो कंप्लीट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा चुका होता हूँ. ठीक है, तो जब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका होता हूँ तो मैं एनालिटिकल में इसको दोबारा कभी नहीं पढ़ाता. ठीक है, और उसके बाद जो है वो इस चैप्टर की जो मेन चीज़ है, जो कि इस चैप्टर की मेन चीज़ है वो आती है, वो होती है मोल्स. ठीक है, और मोल्स का हमें पता है कि जो मोल होता है इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, और इसकी जो नंबर होता है वो होता है 6.02 × 10²³ एटम्स. ठीक है, और इस को जो है वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. उसके बाद जो है वो हम एक और बात ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP इज 24 dm³. ठीक है, और हम ये बात करते हैं कि द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम इन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज इन ग्राम्स. द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इन ग्राम. ठीक है, उसके बाद जो है वो हम मोल्स में इस सिंपल मोल्स है, उसके बाद थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेटेड मोल्स आते हैं उनको हम स्टोइकोमेट्री कहते हैं. और स्टोइकोमेट्री जो बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट अकर इन अ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो जो भी आपके पास स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के आपके पास तीन तरीके हैं. कौन से? फाइन मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट. और नंबर थर्ड जो है वो होता है फाइंड द आंसर. ठीक हो गया, तो इस तरह जो है वो हम स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टोइकोमेट्री के अलावा थोड़ी सी कन्वर्जेंस जो है वो आती हैं, और ये जो कन्वर्जेंस हैं ये तो आपको लाजमी जो है वो बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जेंस जो होती हैं ये आपको ना सिर्फ इधर मोल्स में बल्कि ये आपको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री और बायो में भी काम आती हैं. 10 cm हमें पता है कि 1 dm होता है. टेन सी एम जो होता है 1 dm होता है. 100 cm जो है वो 1 m होता है. 10 mm इज 1 cm. 1000 mm इज 1 m. ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि यार सपोज करो कि मैं इसको क्यूब कर देता हूँ. जब मैं इसको क्यूब करूँगा तो 10
n cube is 1 dn cube, and n cube 1 meter cube. Thousand millimeter cube is 1 centimeter cube, or 1 × 10⁻¹ millimeter cube is 1 meter cube. ठीक है, तो ये जो है ये आपको कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड होती हैं आपके मोल्स के. ठीक है, ओके. अच्छा, उसके बाद जो है वो हम अब बाकी बातें जो है वो मोल्स की, इसी तरह हम लिमिटिंग एंड एक्सेस की बातें करते हैं कि यार लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो लेस देन रिक्वायर्ड होता है और रिएक्शन के ख़त्म होने तक वो ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन के एंड तक वो ख़त्म हो जाता है. लेकिन एक्सेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जब रिएक्शन ख़त्म भी हो जाए तो वो थोड़ा सा रहता है. ठीक है, उसके बाद जो है वो यील्ड एंड प्योरिटी की बात करते थे कि जो यील्ड होती है इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन, और ये कहते हैं कि इफ एक्चुअल मास और वॉल्यूम ऑब्टेन इज इक्वल टू द कैलकुलेटेड वैल्यू देन द यील्ड इज 100%. और यील्ड की जो इक्वेशन आती है, यील्ड की जो इक्वेशन है वो एक्चुअल मास ऑब्टेन कैलकुलेटेड मास इनटू 100% हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की ये बात करते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है इट गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वेयर एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला gives actual numbers of each type of atom in a molecule and can be calculated using the MR of a compound. और उसके बाद जो है वो हम अच्छा उसके बाद जो है वो जरा एक मुख्तलिफ सा मोल्स वाली बात ख़त्म होती है और अगली बात शुरू होती है जो कि है केमिकल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन. अच्छा, हम ये कहते हैं कि यार देखो कोई ऐसा कंपाउंड हो, ठीक है, या जिसमें कोई ऐसा एटम हो विच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम. ठीक है, कोई ऐसा आयन हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स हो उसको हम कंपाउंड आयन कहते हैं. ठीक है, और हम ये बात करते हैं कि जब किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का जो फार्मूला होता है इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द आउटर शेल ऑफ ईच एटम. ठीक है, और कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंपल मेटल आयन और नॉन मेटल आयन आर नेम्ड बाय चेंजिंग द एंड ऑफ द नेम टू द नॉन एलिमेंट टू आइड. ठीक है, कोई भी नॉन मेटल या नॉन मेटल का नाम किसी भी कंपाउंड बनेगा तो एंड में आइड डाल देगा. ठीक है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आएगा तो वो उसके नाम के सामने एंड में 8 डाल देंगे. ठीक है, कार्बोनेट जैसे आपके पास. अब हम कहते हैं कि यार स्टेट सिंबल्स की बात करें अगर तो हम ये कहते हैं कि यार देखो 6-4 स्टेट सिंबल, सॉलिड लिक्विड और गैस जी और एंड में एक्वस, एक यू सॉस छोटा. ठीक है, एक्वस बेसिकली कोई भी एक सोल्यूशन होती है जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होती है. ठीक है, ये स्टेट सिंबल्स की भी हम जो है वो बात करते हैं. इसके अलावा हम आयनिक इक्वेशंस की बात करते हैं. इसी चैप्टर में आगे चलते हुए हम आयनिक इक्वेशंस की ये बात करते हैं. आयनिक इक्वेशन आयनिक इक्वेशन की बात करते हैं कि देखें आपके पास एक इक्वेशन है और उसकी अगर आपने आयनिक इक्वेशन लिखी है तो जितने तो आप जो है वो कंपाउंड्स को आयंस में करेंगे, डिवाइड करेंगे, आयंस में ब्रेक डाउन कर देंगे, आयंस लिख देंगे. ठीक है, सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस ये
तीनों स्टेट सिंबल जितने भी हैं वो जो है वो ये तीनों स्टेट सिंबल जो है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। जो कंपाउंड सॉलिड है वो नहीं होगा, लिक्विड है नहीं होगा, गैस है नहीं होगा, ओनली एक्वस कंपाउंड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्वस कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होंगे आपके आयंस में। ठीक है, और उसके बाद जो रिएक्टेंट के आपके पास एक इक्वेशन है प्रोडक्ट है, रिएक्शन के इस साइड पर जो आयन है और इस साइड पर आयन दोनों सेम है ना, अगर तो उनको आप कैंसिल आउट कर देंगे और उन आयन्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन्स। ठीक है, और स्पेक्टेटर आयन्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल इक्वेशन बचेगी उसको हम आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया, यही था आज के एटम्स मॉलिक्यूल एंड स्टोइकोमेट्री के चैप्टर के लिए। अगली रिवीजन गाइड में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्दनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमें फॉलो मार दें।